हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथमेटिकल एक्चुअल एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वेरिएबल लेके आपको बताया था, जिसमें कि मैंने बस यही बताया था कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे प्रोसीड किया जाएगा, कैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, वही सब मैंने बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं एक्चुअल एग्जाम्पल लूंगी मैथ्स का और हम लोग देखेंगे आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं विदाउट ब्रैकेट वाला। विदाउट ब्रैकेट वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है 2 to the power 4 plus 6 इंटू 2 to the power 2 minus 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये है मेरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इवेल्युएट करेंगे, सबसे पहले हाइएस्ट प्रेसिडेंस को देखेंगे, जो कि है हमारा टू द पार और एक्सपोनेंशियल। लेकिन एक्सपोनेंशियल में एसोसिएटिविटी कैसे फॉलो होता है, एक्सपोनेंशियल में राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, पहले ये आएंगे, क्योंकि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये सबसे पहले आपका आता है। तो 2 to the power 2 कितना हुआ, 4। उसके बाद बाकी सेम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल है ये, 2 to the power 4 कितना है, 16। तो 16 plus 6 इंटू 4 minus 12 डिवाइडेड बाई 4। अभी मल्टीप्लीकेशन डिविजन का सेम होता है, लेकिन प्रेसिडेंस सेम होने के कारण एसोसिएटिविटी इसका पहले होगा, राइट। तो 16 plus 24 minus 12 by 4। उसके बाद क्या होगा, 16 plus 24 minus 3 होगा, फिर ऐड होगा, फिर डिविजन, फिर सब्सट्रैक्शन होगा, तो हमारा आंसर आएगा 37। ठीक है, अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल देखेंगे विद ब्रैकेट वाला। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगी, ये जो एसोसिएटिविटी का था हमारा, ये मैंने राइट टू लेफ्ट बोला ना, तो ये जो एसोसिएटिविटी है राइट टू लेफ्ट लिखा गया है, लेकिन अगर आप एक्सपोनेंट यहाँ पे पहले इसका निकालेंगे फिर भी इसका निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेनली एसोसिएटिविटी का और एक भी मतलब ये है कि राइट टू लेफ्ट मतलब 2 to the power 2, मतलब हम लोग ने 2 power 2 लिखा हुआ है ना, तो राइट टू लेफ्ट क्यों होता है, क्योंकि ये इसका पावर है उस तरह से। और लेफ्ट टू राइट में अगर मल्टीप्लीकेशन को लेफ्ट टू राइट लेते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि आप पहले लेफ्ट वाले को इवेल्युएट कीजिए, वो भी सही है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी सही आंसर आएगा। आपने अगर इसको किया होता 3 आता, फिर बाद में 24 आता, वो सही आंसर आता। लेकिन लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन मतलब क्या है, 6 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 4, नॉट 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद 6, उस तरह का मीनिंग दिया जाता है। और हम लोग विद ब्रैकेट वाला एक क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ये, तो इसको विद ब्रैकेट को पहले कैसे मैंने बताया था कि इनर मोस्ट आपको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए मैंने पहले इसको सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू कितना आया, 3 इंटू, बाकी सारा सेम है। फर्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो बाकी ये फिर से सेम उसको लिख देंगे, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ इसीलिए इसको रिपीट करूंगी। फिर दूसरा हम लोग इनर मोस्ट क्या सॉल्व किए थे, ये वाला 2 by 4 by 2 जो कि होता है 2। फिर तीसरा हम लोग क्या सॉल्व किए थे, ये 2 to the power 2। फिर हमारा आंसर क्या आया, कितना आएगा, 3 into 2 minus 2 to the power 4। तो 2 minus 4 मतलब ये दोनों में से ब्रैकेट यहाँ पे है, तो 2 minus 4 ही पहले इवेल्युएट होगा ना, तो 3 into 2 minus 4 is minus 2, so we are getting the answer -6। तो मैंने वही बताया था कि आप इनरमोस्ट पहले इसको लीजिए, पहले इसको लीजिए, आंसर सेम ही आना है। आप देखिए, हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले 1 to 2 इवेल्युएट किए, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, राइट। फिर 2 to the power 2 किए, नहीं छोड़िए, चलिए इसको नहीं लेते हैं, बाकी का दे लेते हैं। यहाँ पे 2 by 4 by 2 2 ही आया, -2 to the power 2 यहाँ पे है, और 1 plus 2 3 ही है, तो फिर से सेम ही आ रहा है ना, 2 to the power 2 is equal to 4, 2 minus 4 into 3, यहाँ पे और एक फैक्टर है। तो वो मैटर नहीं करता आप कौन सा पहले इवेल्युएट करते हैं, लेकिन ये चीज है कि पहले ब्रैकेट वाला इवेल्युएट होगा। मान लीजिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, कहीं कहीं ब्रैकेट है, कहीं पे नहीं है, तो फर्स्ट यू शुड गो फॉर द ब्रैकेट, देन अदर,